YouTube के प्राचीन कहानियां चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम सुबह की नमस्ते विद सुभाष में। आई होप कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और मैं सभी को एक बार फिर से सुप्रभात करता हूं इस मॉर्निंग में। आज आप देखोगे एक एनर्जी का लेवल अलग ही होगा, पीछे बैकग्राउंड हट गया है जो आप यूज्ड टू हो गए थे ना मेरे गार्डन के, आज मैं दूसरी जगह आया हूँ। ये रूफ है जो जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ की, तो यहाँ पे क्या है आपको ट्रैफिक और जो डॉगी है उनकी बार्किंग कम मिलेगी सुनने को, उनका भौंकना कम मिलेगा, बल्कि आपको यहाँ पे पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ ज़्यादा सुनने को मिल सकती है। जो पीछे काफ़ी पेड़ हैं नेचुरल, एक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ग्रीनरी। तो इसके साथ साथ में जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने नीचे अपनी चाय रख रखी है क्योंकि एक स्टूल है जिस पर मैं बैठा हूँ और आके शूट कर रहा हूँ। मोबाइल भी साथ में है आपके कमेंट के साथ में, तो लूँगा पहले एक सिप ले लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन आज आपको वो लाइट नहीं दिखाई देगी जो लाइट के जरिए मैं शूट करता था, बल्कि आज आपको दिखाई देगी नेचुरल लाइट, यानी कि धीरे धीरे प्रकाश होता जाएगा और मेरे जो आसपास की लाइट है वो इंक्रीज होते हुए भी आपको दिखाई देगी शो के साथ में, क्योंकि कैसे भी करके शो 30 से 40 मिनट तो चलता ही है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो शुरू करेंगे आज के सफ़र को। सबसे पहले है अगर मैं कुछ कहूँ, अगर वीडियो बढ़ने से पहले देखिए हमारी जो बुक है प्योर स्पिरिचुअलिटी अवेकन सोल, दोनों के प्री ऑर्डर शुरू हो चुके हैं, इस वीक तक चलेंगे, यानी कि ये जो मंडे स्टार्ट हुआ है काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिए, उनके हम विद इन 4 डेज में शिप कर देंगे और स्पीड पोस्ट के साथ में शिप करेंगे, तो जल्द से जल्द उनके पास में पहुंच जाएगी। इसीलिए अगर आप लोग भी इस बुक को पढ़ना चाहते हो, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो, अपना स्पिरिचुअल लेवल है उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो आप भी एक बार इन बुक्स को चांस दे सकते हो। ये बुक अभी हमने हार्ड फॉर्मेट में छपवाई है, दोनों बुक हिंदी में हैं। अगर कोई कंफ्यूज होता है कि सर इनका टाइटल तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें जो टाइटल है सब टाइटल है वो इंग्लिश में है, बल्कि अंदर टोटली हिंदी में मिल जाएगी आपको, तो आपको पढ़ने के लिए इजी रहेगा, आप कोई भी इसको आसानी से पढ़ सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी पर्सन है प्लीज़ इस बुक को पढ़ने की कोशिश करो। दोनों बुक अगर आप साथ मंगाओगे तो इसमें आपकी कॉस्ट जो है वो सेविंग हो जाएगी, कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी एक तरह से यूँ कहूँ, क्योंकि इसमें कम से कम आपको 200 रुपये से ज़्यादा की सेविंग है। अगर आप इंडिविजुअल, इतना मुझे पता है, अगर एक आप मंगवाओगे तो आपको दूसरे भी मंगवानी पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि बुक इस तरह से लिखी हुई है और इस तरह की जानकारी है कि आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को कैसे भी करके। आज मैंने प्राचीन कहानियाँ की अपनी टी शर्ट भी पहनी है, मुझे तो यहाँ से उल्टा लिखा हुआ दिख रहा है, पता नहीं आपको सही दिखेगा नहीं दिखेगा, बट आप लोगों से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जैसे मैं बोल रहा था कि आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते, आपको फिर से दोबारा वो ऑर्डर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा आपसे, बस आप जो पढ़ने की उसमें एक वो दी हुई है ना रुचि के साथ में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपको कहीं भी ईजिली नहीं मिलेगी। ये सोच लो जो मैं वीडियो में बोलता हूँ उसका 10% भी नहीं है, तो उसमें कितनी सारी चीज़ें, सो आप उसको एक बार चांस दे सकते हो। तो इसी के साथ में आप चलो शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। तो सबसे पहले माया टोटा करके हैं जो कमेंट कर रही हैं, मैं उनका बता देता हूँ आपको, बोल रही हैं आप जैसे बोल रहे हो ना कोई अपना जब हमारे बीच रहते हैं हम तो वैल्यू नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते, क्या कोई ऐसा कर सकता है अपने के साथ, आपका समझाने का तरीका गलत है, आपका वीडियो सब देखते हैं दुख दूर करने के लिए, पर आप जैसे ब्लेम करते हो क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर वो खुद डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगा, क्रिटिसिज्म भी होना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सही हो सकता हूँ, आप बिल्कुल सही हो सकते हो, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि एक वीडियो से या एक चीज़ जो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको सही ना लगी हो उसके हिसाब से दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, बल्कि जब मैं ब्लेम नहीं करता हूँ उसके पीछे का जो मेरा एक तथ्य रहता है, जब भी मैंने कल भी आपको बताया था कि आप तब बात करना चाहते हो जब आपके वो परिजन आपके साथ में रहते तब उनको इग्नोर करते हो, तो उस तथ्य के हिसाब से मैंने उसमें बातें शेयर करी थी, और जो आप सिर्फ एक अपने आसपास देखते हो यानी कि आप अपने बारे में जानते हो, लेकिन आप जैसे मुझसे मोर देन 50,000 लोग जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ में मैं कम से कम इतने लोगों के साथ में एक काउंसलिंग का सेशन कर चुका हूँ,
तो जो बात मैं बोलता हूँ एक एक्सपीरियंस के साथ में बोलता हूँ, टोटल चीज़ों को सम करके बोलता हूँ। क्योंकि देखो एक लॉजिकल सी बात है, जब लोग ये पूछते हैं ना कि मुझे अपने परिजनों से बात करनी है, तो एक क्वेश्चन सीधा से ही उठता है कि क्या जो एक लाइफ थी वो कंप्लीट नहीं हुई, या अब आपको लगता है कि वो बात कैसे करेंगे? मतलब आज आप अपने दुख के कारण, अटैचमेंट के कारण, उस सोल को भी आपने पूरे ज़िंदगी तो उनसे मोह रखा ही रखा है, अब वो जब इस शरीर से फ्री हुए तब भी आप उनसे मोह रखा। खैर जाने दीजिए, आपको पूरा हक है क्रिटिसाइज करने का, आई एक्सेप्टेड, आप कीजिए। लेकिन बस इतना कहूँगा कि थोड़ा जल्दी में जज मत करो दूसरे को, थोड़ा टाइम ले लो, दूसरी चीज़ों भी देखो। अगर हमारी वजह से कोई डिप्रेशन में जाता है तो आई एम रियली सॉरी, बट मैंने इतना सुना है, जो लोग भी अभी भी कमेंट करके बताएंगे कि हम तो डिप्रेशन से निकालने का काम करते हैं, जो एक आप एक भावना बना लेते हैं कि कैसे करके जो वो सोचते हैं वो साइकोलॉजी सही है, उस हिसाब से चीज़ें सही है, तो उन सारी चीज़ों से ब्रेक डाउन करने के लिए मैं अपनी चीज़ें बोलता हूँ ताकि आप एक सही रास्ते पर ट्रैक पा जाओ। बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि जो आपकी साइकोलॉजी बोल रही होगी कि मैं कुछ ऐसा बताऊँगा कि जाकर आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर ले उस आकाशीय या सोल से, ताकि आपके जो भी सारे प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो और मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आपकी इच्छा है, आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, सो प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग अवर वीडियो, आपका मोस्ट वेलकम है कि बिल्कुल भी आप बिल्कुल वीडियो मत देखो। या मैं वीडियो इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा कि कोई डिप्रेशन में जाए, बल्कि इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप एक सही ट्रैक पाओ, हमेशा वो पागलपंती की बातें जो होती हैं वो ना करो। और बाकी मेरी टोन कैसी है या मेरी टोन से किसी को दर्द हुआ, आई एम फिर से चाहता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। बट हाँ, ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी कि मैं आपको 2 मिनट के लिए खुश करने के लिए वो चीज़ें नहीं बोलने वाला जो आप सुनना चाहते हो, आपकी साइकोलॉजी सुनना चाहती हो। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, जैसा आप चाहते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कमेंट करते हैं, मेरे कॉम्पिटिटर भी रहते हैं, मैं किसी से कॉम्पिटिटर या कॉम्पिटिशन नहीं लगाना चाहता, बट सम हाउ पीपल थिंक लाइक दैट कि हाँ ये आगे बढ़ रहा है इस चीज़ में। तो देखिए, कोई किसी को नहीं रोक सकता, कोई किसी की बढ़ावत गढ़ावत में हाथ नहीं कर सकता। आप एक दूसरे को कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, बट इनिशियली जिसको आके जाना वो आके जाएगा, जिसको वहाँ रुकना वो रुक जाएगा, बस इतनी सी बात है। इसके बाद में अगला कमेंट है, बहुत अच्छे से क्लियर किया। देखो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप उसी वीडियो पे आपका थॉट प्रोसेस, माया टोटा ऐसा है और दूसरे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका कैसा है। साथ में हरदा बोल रही है, बहुत अच्छे से क्लियर किया, पर आजकल के बच्चों की लाइफ बहुत बिजी है, अपने बिजनेस में जॉब में व्यस्त हैं, उनके पास बात करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहता, माता पिता चाहते हैं बात करना, और एक दिन बच्चा अचानक छोड़कर जाए, जब यहाँ रहते बात नहीं कर पाए तो जाए कहाँ, जहाँ गए हैं वहाँ से बात करेंगे हीलिंग से, थैंक यू गॉड ब्लेस। देखो हर चीज़ को पॉजिटिव लेने की वो होती है एक, जैसे इन्होंने पॉजिटिव लिया कि ठीक है आज की लाइफ रूटीन ऐसी है जिसमें हम सबके पास में टाइम नहीं रहता, एक बार माता पिता के पास में भी, बच्चे भी अपने एग्जाम में, जॉब में, बिजनेस में, इस तरह से सब रहते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं भी बाहर रहता हूं अपने घर से, जहां मेरा नेटिव प्लेस है, मुझे भी काफ़ी 1-2 दिन कभी कभी बात करें हो जाते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब हमें पता है ना एंड ऑफ द डे हमारा कनेक्शन सोल का है, ना कि इस बॉडी का है, तो हम उससे ज़्यादा जुड़ें और चीज़ों को समझ लेंगे तो हमें आगे चल कर हर्ट भी नहीं होगा। ये प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस, ये तो होना ही है, लोगों का आना जाना लगा ही रहेगा। आज कोई किसी के घर से जा रहा है वो पहली बार नहीं है, आपको इस हिसाब से सोचना चाहिए कि जो लोग आपके घर में पहले थे, जो आपके दादा दादी थे या उससे भी पहले जो बुजुर्ग थे, क्या आपने कभी सोचा मैं उनसे बात कर सकूँ? आपके कभी थॉट नहीं आया? बस ये चीज़ें जो इम्प्लांट की गई हैं आपके दिमाग में, वो कुछ लोगों की वजह से की गई हैं, वो आपको डराते हैं। जब आप डरते हो तो क्या होता है कि आपके अंदर से एक आउटपुट निकलता है पैसों का, तो आप कुछ भी देने के लिए इमोशंस में, अटैचमेंट में तैयार हो जाते हो कि ये लो सर पैसा और हमारे हमारे परिजनों से बात करा दो। मैं उसी सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ कि आप इस फेयर में मत फंसो, जो एक नेचर का प्रोसेस हो उसे नेचुरली चलने दो और आगे की चीज़ें जैसा होंगी वो नेचर देख लेगा, हम क्यों मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो साधना हरदाव, थैंक यू सो मच। बिना दत्त बोल रहे, मेरा बेटा भी मेरे सपने में नहीं आता, क्यों क्यों नहीं आता बताएं? ओके जी, बताएंगे आपको। एक वीना जी, एक अपॉइंटमेंट ले लो। सृष्टि जी बोल रही है, थैंक यू सर, देखो थैंक यू सो मच आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं मायर तोटा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सारी चीज़ें देख लो कि
लोगों का थॉट प्रोसेस सिर्फ ऐसे ही वर्कआउट नहीं करता जैसे आप सोच रहे हो। इसके बाद में अगला है रिट स्लाई बोले, सर मेरा भाई की डेथ हो गई है लास्ट मंथ और वो सपने में आकर बोला कि वो मेरा बेटा बनकर जन्म लेगा, क्या ये सच है? ऐसा हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल सच बात है, ऐसा होता है। इसकी सच्चाई जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हमारी वीडियो थी जो समस्तायर जी का एक आज तक का एक कार्यक्रम आता है उसकी मैंने क्लिप रेफरेंस के लिए ली थी, मथुरा दिल्ली की बात है। तो ऐसा होता है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है अनुभव के हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको तो उसमें क्या होता है कि रिलेशन चेंज होते रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम रिलेशन कंटिन्यू होगा या होता रहेगा। हाँ ये चेंज हो जाता है, कई बार जो आज आपके माता पिता हैं कल को आपके बच्चे भी बन सकते हैं, जो आज आपका भाई है कल को आपका हस्बैंड बन सकते हैं। इसी हिसाब से वहाँ पे रिश्ते मैटर नहीं करते, वहाँ पर मैटर करते हैं कि किसके हिसाब से आपका कार्मिक अकाउंट कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, तो उसी हिसाब से आपके फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशंस वर्कआउट करती है। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, यह अक्सर मैं बताता रहता हूँ लोगों को जो मुझसे काउंसलिंग कराते हैं कि वो लोग किस हिसाब से रहते हैं। कोई आपको आएगा कि थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, कॉलेज में बोलते हैं ना क्रश हो गया, इस तरह से होता है। फिर उसके बाद जॉब में कोई मिलेगा तो वहाँ पर ऐसा कुछ लगेगा, इस तरह से सारी चीज़ें हैं जो हमें लगने लगता है कि हाँ ओके। अब कुछ के साथ में ऐसी वाइब्रेशंस बैठ जाती है जिसके साथ में हमें लगता है कि हाँ ठीक है, ये मेरा हस्बैंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है। अब रही बात जैसे भाई की है तो वो उसी माँ से निकल से पैदा हुआ है जिससे आप हुए हो, तो आपके पास में ऑप्शन नहीं है उसको दूर करने का, लेकिन आपके पास में ऑप्शन है आपके हस्बैंड को दूर करने का, बॉयफ्रेंड को दूर करने का, वाइफ को दूर करने का, गर्लफ्रेंड को दूर करने का, इस तरह से, या कोई दोस्त है उससे लड़ाई करके दूर हो जाने का। लेकिन वो क्या है कि वो सिबलिंग हमारे समाज ने इस चीज़ बना दी है कि ये आपका ब्लड का रिलेशन है, ये सारी चीज़ें, मतलब एक सर्टिफिकेट इशू कुछ करती है हम सबको और हमने सिग्नेचर भी कर देते हैं उस पर, तो उसकी वजह से चीज़ें थोड़े दूसरे हिसाब से हो जाती हैं। बाकी अगर मैं उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करूं या नेचर के प्रोसेस की बात करूं, और आप कहोगे कि आपको कैसे पता है सारी चीज़, तो उसके लिए भी मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। वहाँ हमें पता लगता है पास्ट टाइम रिग्रेशन से कि जो इंसान पहले कुछ और था और आज कुछ और है, तो इस हिसाब से चीज़ें होती हैं। इसके बाद मैं सुनीता मोहन बोल रही हूँ, हेलो सर आपका मॉर्निंग का इंतजार होता है, थैंक यू सर आप बैक आ गए, सो थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, वेट करने के लिए। जनरली लोग इस शो को नहीं देख रहे, पता नहीं उनको उनके हिसाब से नहीं होता होगा, बट आई एम जस्ट डूइंग दिस वर्क फॉर दोज पीपल्स जो एडमायर करते हैं कि उनको उनकी वैल्यू होनी चाहिए, तो आई होप कि हम उसमें सक्सेस हैं। तो थैंक यू एक बार फिर से। जय कमल अवस्थी बोल रहे हैं, डर डर के जिंदगी जीनी होगी, पेट के बाउल को भी पैर लगा देती है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। सुमन ठाकुर हिंदी में लिखो जी प्लीज। रिया भारद्वाज बोल रही है, सब सुना है फिर भी चीजें हुई, तो वो कुछ उसके लिए बोल रही हैं जो कल की एक वीडियो थी कि उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी जो उनको पता लगा, बट फिर भी चीज़ें हुई हैं जी, ऐसा होता है, अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। कमला जायतर बोल रही, थैंक यू सो मच, आप बहुत समझदार हो, बहुत ही अच्छी तरह से बातों को समझाते हो, थैंक यू सो मच, तो थैंक यू वेरी मच आपका भी। प्रियंका बोल रही, मैं भी बात करना चाहती हूँ सुशांत सर से, सर क्या सुशांत सर हमारी तकलीफ महसूस कर पाते हैं? आपको बहुत पहले भी कमेंट आया था प्रियंका, आई थिंक आप उनको बहुत पसंद करती हो, तो आपकी एक पीड़ा हो सकती है जी। सुशांत सर तो नहीं, बींग ए सोल वो बहुत मिस करती होंगी सारी चीज़ों को, आई एम सॉरी पीछे डिस्टर्बेंस आई हो तो आपको, हाँ तो सोल एडमायर करती इन सारी चीज़ों की। प्रीति कुमार बोल रही, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच आपका भी। शिवा रावत बोल रही हैं, गुड हियर सर, तो थैंक यू आपका भी। शिवा रावत बोल रहे हैं, वेलकम सर, आप सुबह के नमस्ते में आए, हम आए हैं, आप नहीं आ रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, थैंक गॉड आपको हाथ भी ठीक हो गया। हाथ अभी प्रॉपर ठीक नहीं है, अभी चल रहा है, थोड़ी स्वेलिंग हो रहा है, बट धीरे धीरे हो जाएगा, नो डाउट, ये पार्ट है। इसके ऊपर एक आज का कॉन्टेंट आएगा हाथ के ऊपर, तो मैं बताऊँगा। इसके बाद में सुषमा साहू बोल रही हैं, सर कभी कभी हमारे बच्चों से भी हमारी नहीं बनती है, हर समय बच्चे से बहस ही होती है,
किसी के बच्चे तो अपनी माँ को को भी बहुत तकलीफ देते हैं, तो क्या उनसे भी हमारे कार में कनेक्शन होते हैं? ऑफ कोर्स आपके कार में अकाउंट सबसे होते हैं, जिनसे आपका मिलना होता है, जिनसे आपकी सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, सबसे होते हैं। तो देखिए, जब हमने ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखी हैं जो आज आपके बच्चे हैं वो पास्ट में आपके हस्बैंड हो सकते हैं, जो आज आपके हस्बैंड अगली बार में आपके बच्चे हो सकते हैं। तो चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं, नेचर को पता है कि कैसे आपके साथ में उनको लगाना है, कैसे एक लेसन देना है। तो ये चीज़ें बहुत ईजी हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक नया है ये सारी चीज़ें। और जो आप बोल रहे हो कि कभी कभी क्या होता है, शायद आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आप इसलिए ऐसा बोल रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। देखिए, एक्शन तो होकर रहेगा, रिएक्शन आप चेंज कर सकते हो ताकि वो बच्चे हैं आगे किसी भी फॉर्म में आपको परेशान ना करें या आप उनको परेशान ना करो। सैफी जुनमी बोल रही, शुक्रिया भाईजान जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील भामरे बोल रहे, राइट, तकलीफ बहुत होती है किसी के जाने से, मगर उन्हें क्यों तकलीफ दी जाए जब वो इस दर्द भरी दुनिया से शांति में चले गए हैं। उन्होंने उन्होंने हमें बहुत खुशियाँ दी हैं, वो खुश रहें जहाँ हैं। लव यू बच्चा अंजना भामरे। देखो, ये माइंडसेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेरे साइकोलॉजी से बोल रहे हैं, बट मैं रियलिटी को चाहता हूँ कि आप एक्सेप्ट करो। रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी, नहीं तो देखो रोते रहो और खुद को भी और दूसरे को भी परेशान करते रहो, और ये भी करते रहो कि जो आपके परिजन हैं उनको सोचने पर मजबूर करते हो कि अब इसका क्या करें, अब क्या हो सकता है, कि कैसे इसको समझाएं कि चीज़ें सही हो जाएं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये तो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो समय खुद एक्सेप्ट करा देगा कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है। तरुणी सर बोल रहे हैं, थैंक सर, सो थैंक यू सो मच आपका भी। राधा रानी बोल रहे हैं, राइट स्पीकिंग, सो थैंक यू राधा जी। चलो, एक क्रिटिसाइज मिला तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ तो कोई लोग ऐसे भी होने चाहिए। पिंकी यादव बोल रही, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आपका भी। सुनील भामरी फिर से बोल रही, ओम शांति ओम शांति। रंजना सिन्हा बोल रही, आपने प्रोग्राम फिर से शुरू किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी थैंक यू सो मच। कई लोगों ने, आपने भी व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टेक्ट किया, पूछा कि क्यों प्रोग्राम नहीं आ रहा, तो दिल से आभारी हूँ इतना कंसर्न होने के लिए आपका। थोड़ा बिजी हो गया था इसी वजह से, लेकिन बाकी मेरी इच्छा ऐसी कभी नहीं रहेगी कि इस प्रोग्राम को अगर शुरू करा तो बंद कर दूँ। बट अगर कभी इन केस फ्यूचर में भी होगा तो ऐसे ही होगा कि जहाँ मैं बिल्कुल बेबस हो जाऊँगा कि कोई ना कोई ऐसी टेक्निकल इश्यूज होगा जिससे ना शूट कर पाऊँ या ना इसको अपलोड कर पाऊँ। बट इच्छा ये है कि हंड फिर के कि कैसे भी करके मैं आपकी सेवा में आता रहूँ। सुनीता मोहन बोल रहे हैं, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? तो सुनीता जी, मैं अच्छा हूँ, मेरा हाथ भी जो एक फ्रैक्चर था वो ठीक हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आ रही हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि जो चीज़ें चल रही हैं हमारे और आपके बीच में वो भी सही हो रही हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं ये कहूँगा कि हाँ, सब ठीक है। डीप बॉस बोल रहे हैं, आई एग्री, योर वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, इट हेल्प मी टू ओवरकम द लॉस, रिसेंटली आई लॉस माई हस्बैंड, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। सो क्या नाम था आपका, फर्स्ट कमेंट था मायर टोटा। देखो, किसी ने कमेंट करा आपकी साइकोलॉजी को हर्ट करेगा, वो बोल रहे हैं कि मेरे वर्ड्स में बहुत ताकत है, बहुत पावरफुल है, और उनकी मदद करी है जो उनका एक रिसेंटली लॉस हुआ था उसे ओवरकम करने के लिए, उनके हस्बैंड चले गए थे। साधना हरदाव बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, सुबह की नमस्ते, सुप्रभात, चालू हो गया, बहुत अच्छा लगा जी। बिल्कुल चालू हो गया, और आशा रहेगी कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ज्ञान क्या गुहा बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम बैक सर, सो थैंक यू सो मच आपका भी। सुषमा साहू बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। सावित्री मिश्रा बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में बेबा बारी बोल रहे, बहुत अच्छे बात बताते हैं सर, थैंक यू आपका भी। रिम्पी लहराई, ये तो वन डे पुराना हो गया जो हमने कर ले लिए थे। तो आज के कमेंट इतने ही थे, ऑलरेडी अबाउट टू 20 मिनट क्रॉस होने वाले हैं। बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग नए हैं, किसी न किसी रूप में सपोर्ट करते रहो एक दूसरे को, जो आपके आसपास हैं उन लोगों को भी, जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं हमें भी सपोर्ट कर सकते हो तो करो। अगर आपकी ऐसी इच्छा है, आप अपने वर्ल्ड से करो, फाइनेंशियल स्टेटस आप कैपेबल हो उस हिसाब से करो, आपकी नॉलेज को थोड़ा गेन करते रहो, अपने आगे बढ़ते रहो। चीज़ें जितनी ईजी हैं उतनी ईजी समझ लो, जितनी डिफ़िकल्ट हैं तो भी उनको ईजी समझ लो, चीज़ें सही हो जाएंगी, हम मिलकर चीज़ों को सही कर लेंगे। थैंक यू सो मच आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।